हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 जून 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल है, जो न्यूज है, वो आई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये एक्चुअली एक पुरानी स्कीम थी, उसी का नाम चेंज है, वो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। पुरानी स्कीम कौन सी थी वो देख लेते हैं। पुरानी स्कीम थी, उसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, IGMSY। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लेके आई गई थी पहले, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जिसे नाम से पता चल रहा है कि मातृत्व सहयोग योजना, मतलब वुमेन को सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम को लेके आया गया था, ताकि माताओं को सपोर्ट हो किया जा सके। तो इसी के बाद इस स्कीम को गवर्नमेंट ने चेंजेस वगैरह किए इसमें काफी सारे, और उसके बाद स्कीम का नाम रखा गया, वो रखा गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सबसे पहले अपन यहाँ पे काम का है वो ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसके तहत इस स्कीम को लेके आया गया था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है। इसके बाद में बात आती है मिनिस्ट्री की। तो मिनिस्ट्री है इसके लिए हुआ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया जाता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो आपको बता दूं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनमें अपना कुछ हिस्सा है वो देती है, मतलब पूरा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे कि सभी स्टेट्स के लिए नॉर्मली अलग अलग होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं वहाँ पे ये होता है कि 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% देती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। जबकि नॉर्मल जो स्टेट होते हैं वहाँ पे होता है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। या फिर इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि जो यूनियन टेरेटरीज वगैरह हैं वहाँ पे 100% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देती है, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन टेरेटरीज वगैरह वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। स्कीम के बारे में यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि है कैश ट्रांसफर स्कीम है, मतलब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो कैश के फॉर्म में पैसा वो देती है लोगों को, ताकि फाइनेंशियल एड वगैरह सपोर्ट हो किया जाता है। कैसे, जो वुमेन है जो कि 19 प्लस जिन के जाए, मतलब 19 साल से बड़ी जो वुमेन है उनको एक्चुअली इसमें दो बच्चों की बर्थ तक पैसा वो दिया जाता है, कितना 6,000 रुपये उनको प्रोवाइड हो किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं केवल दो बच्चों तक ही। ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, यूपीएससी यहाँ पे दे सकते हैं कि ओनली 2 लाइव बर्थ। हाँ बिल्कुल सही है, केवल दो बच्चों तक ही गवर्नमेंट के द्वारा ये पैसा है वो दिया जाता है, जिसमें कंडीशन ये है कि एज है वो 19 प्लस होनी चाहिए। इसके साथ ही अगली बात ये है कि इसमें जो थोड़े कुछ रूप से जो वेजेज होते हैं उसका कभी कंपनसेशन या जो मुआवजा है वो दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आंशिक रूप से जो मुआवजा वगैरह होता है, जो भी अगर वुमेन जॉब वगैरह करिए तो उसका कुछ हिस्सा उसको प्रोवाइड हो किया जाता है, ताकि वो बच्चे की देखभाल कर सके और अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान है वो रख सके। तो ये इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट थे जो यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। देखो जब भी हम कोई स्कीम वगैरह डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि तो वो स्कीम पुरानी स्कीम कौन सी थी, या तो अगर कहीं सी पुरानी स्कीम को थोड़ा तोड़ मरोड़ के गया तो उस पुरानी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला ये पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर है मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा उसमें देने वाली है। अब इसमें बात आ गई यहाँ पे कैश ट्रांसफर की, तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। और इसमें एक नया पॉइंट ये है कि केवल दो बच्चों की लाइफ बर्थ की पैसा है वो देती है गवर्नमेंट, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडिया और नेपाल की जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में। तो देखो इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है वो किया गया है, एक्सरसाइज का नाम हुआ है सूर्य किरण। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य किरण एक्सरसाइज का 13th एडिशन है वो होस्ट किया गया है इंडिया नेपाल की द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो हो जाती है आपके लिए, यूपीएससी डायरेक्टली इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है सेवा भोज योजना के बारे में, तो इसे देख लेते हैं। सेवा भोज योजना है वो एक कल्चर मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। अब इसे डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि स्कीम किस प्रकार से स्टार्ट हो किया गया। देखो हमारे देश में काफी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हैं, मतलब धार्मिक ग्रुप हैं, जैसे कि मठ हो गए, कई जगह गुरुद्वारे में लंगर वगैरह दिया जाता है, या फिर जो क्रिश्चियन वगैरह हुए वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पादरीज वगैरह पे कुछ चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब बात यह है कि जिस तरीके से गुरुद्वारे में लंगर वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, भंडारा वगैरह होता है, स्वामी वगैरह, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इसी तरह इनमें होता क्या है कि जो भी सामान खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल जैसे होता है कि आलू प्याज टमाटर, जो भी चीनी वगैरह होगी, राइस वगैरह, ये सब जो लोग खरीदते हैं, जो भंडारा का आयोजित करते हैं, उनको एक्चुअली खरीदना होता है। अब आपको पता है कि ऑब्वियसली वो लोग टैक्स पे करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जो भी चीज़ें खरीद रही हैं मार्केट से उस पर तो ऑलरेडी टैक्स उन्हें पे करना होता है, CGST और IGST। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है
कि भाई जो ऐसे भंडारे या जो भी चैरिटेबल मतलब धार्मिक जो ग्रुप हैं उनको एक्चुअली अपनी स्लिप वगैरह दिखानी होगी कि भाई देखो हमने भंडारे के लिए या हमने इस काम के मतलब स्वामी वगैरह के लिए या फिर हमने ये मठ वगैरह हम लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हैं फ्री में उन सब के लिए जो मेगा किचन्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं इन सबको अपना डाटा वो देना होगा जिससे बिल वगैरह शो करने होंगे कल्चर मिनिस्ट्री को। उसके बाद कल्चर मिनिस्ट्री उनको CGST और IGST वो रिफंड करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले तो वो लोग खुद पे करेंगे, इसके बाद वो स्लिप है वो कल्चर मिनिस्ट्री को भेजेंगी और कल्चर मिनिस्ट्री उनको वेरीफाई करके आगे फिर करने वाली है। अब इसमें बेसिक चीज़ आपको दो चार पॉइंट की ध्यान रखनी है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड कराने के लिए, देखो आपको एक चीज़ तो ये पता हुई होगी नहीं फिर चलो बता देता हूँ कि जो भी ये मतलब चैरिटेबल धार्मिक ग्रुप वगैरह होते हैं इनका एक मैन पावर मैन काम इनका पास ये भी होता है कि ये जो भी इनकी इनकम होती है उसके ऊपर इनको इनकम टैक्स वगैरह वो पे नहीं करना होता है क्योंकि इनको छूट है वो दी गई है आर्टिकल। अब आपको ये बताना है कि जो भी ये धार्मिक ग्रुप हैं इनको इनकम टैक्स वगैरह कोई किसी भी तरह का टैक्स वगैरह पे करने में इनको छूट है वो मिलती है वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है, तो ये आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। UPSC इसी तरीके से आजकल क्वेश्चन वगैरह घुमा के पूछ लेती है कि ये एक मठ है ये लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करा रहा है तो कौन से आर्टिकल के तहत इसको इनकम टैक्स वगैरह में छूट है वो दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए और उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ इसमें एक नया फोकस ये किया गया है कि भाई जो गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया था कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा एक दर्पण पोर्टल, इस दर्पण पोर्टल की हेल्प से जो गवर्नमेंट है वो वेरीफाई करेगी कि भाई कौन सा जो चैरिटेबल धार्मिक इंस्टीट्यूट है वो एक्चुअली सही ढंग से काम कर रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि फर्जी तरीके से ही अपने बिल वगैरह बना के पैसे वसूलने की कोशिश कराओ गवर्नमेंट से। और इस सेवा भोज योजना के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बजट में अपना पैसा वगैरह है वो भी इस बार रखा है, तो देखो कितना पैसा रखा है वो तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है बट ये स्कीम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। और सबसे अहम बात यहाँ पे मिनिस्ट्री की कि वो काफ़ी कन्फ्यूज कर सकती है, कल्चर मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है इसमें CGST और IGST वो रिफंड किया जाएगा वापस, ये इसका बेसिक चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है भवानी रिवर के बारे में। तो देखो कंटेक्स्ट ये है कि भवानी रिवर है इसमें भी बाढ़ आने की आशंका है वो हो गई है, उसको लेकर अलर्ट है वो किया गया है। कंटेक्स्ट तो कुछ इतना खास नहीं है बट UPSC जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि देखो लास्ट ईयर और इस बार आपको पता है कावेरी रिवर काफ़ी सुर्खियों में रही है तो UPSC इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जो भवानी रिवर है वो कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैक्सिमम इसका जो हिस्सा है वो एक तमिलनाडु में फ्लो है वो करता है यहाँ पे और इसका ओरिजिन है वो है नीलगिरी हिल्स में। अब आपको पता है कि नीलगिरी हिल्स में कौन कौन से स्टेट हैं वो मिलते हैं आपको, ये तो कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ये हो जाती है भवानी रिवर का कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, चलो आप ये बताइए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था तो आपको इसके बारे में बताना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बीच से रिवर है वो बहती है, UPSC इस तरीके से भी आजकल क्वेश्चन वगैरह पूछती है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है क्रेडिट सिक्योरिटी फंड के बारे में। तो अभी गवर्नमेंट ने क्रेडिट सिक्योरिटी फंड है इसके एक तरीके से पैसा वगैरह इसमें डाला है वो है, तो इसके बारे में न्यूज है वो आई है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट सिक्योरिटी फंड वो है किस लिए। देखो क्रेडिट सिक्योरिटी फंड का नाम से ही पता चल रहा है कि है मेनली जो क्रेडिट है मतलब जो लोन वगैरह देने के लिए श्योर रूप से उसके लिए फंड है वो बनाया गया है। तो यह मेनली जो बैंक की एबिलिटी है कि लोन देने की उसको इम्प्रूव करने के लिए इस फंड को है वो बनाया गया है। किसके लिए, देखो हमारे देश में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है ना, इनको आजकल प्रॉपर ढंग से लोन वो नहीं मिल पाता है क्योंकि इनकी डिमांड वो ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसके साथ कुछ NGOs हैं जिनको भी पैसा वगैरह चाहिए तो उन सब के लिए क्रेडिट सिक्योरिटी फंड है वो बनाया गया है ताकि MSME और जो NGOs हैं इनको एक्चुअली जो लोन वगैरह है वो मिल सके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी इसको स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है इस फंड को स्पॉन्सर किया जा रहा है वो क्या जा रहा है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इसके द्वारा इसको स्पॉन्सर्ड है वो क्या कहते हैं। UPSC इसके बारे में भी पूछ सकती है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। UPSC यहाँ पूछ सकती है कि ओनली MSMEs को लोन देने के लिए वगैरह, नहीं भी ओनली MSMEs के लिए, इसमें NGO वगैरह भी इंक्लूड है वो यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है भारत नेट के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ने ग्रामीण एरियों में एक्चुअली चौपाल हैं वो बनाए, मतलब वाईफाई चौपाल बनाने की बात है वो की है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बात है ग्रामीण चौपाल का, क्या क्या कंटेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पे काम का है वो हो जाता है। देखो हमारे देश में अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट को ही, फिर आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको प्रोजेक्ट को लेके आया गया था, इसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश की जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको वाईफाई से कनेक्ट है वो करना, ये चीज़ का मेन मोटो था। देखो अभी तक 1.5 लाख तो लास्ट ईयर दिसंबर तक हो गई थी, 1 लाख बाकी हैं तो वो इस साल 2018 के एंड तक कंप्लीट होने का
टारगेट और रखा गया है। तो अभी जो भारतनेट प्रोजेक्ट है इसके तहत रूरल एरिया में कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं उनकी हेल्प से वाईफाई चौपाल बनाने की बात है गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। अब वाईफाई चौपाल क्या होते हैं, देखो गांव में एक एरिया जैसे आपको पता होगा रूरल एरियाज में एक बड़का या पीपल वगैरह पेड़ होते हैं तो उसके नीचे चौपाल टाइप की होती है, मतलब वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, उसको नॉर्मली चौपाल कहते हैं। तो उस वाले एरिया में वाईफाई को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि चौपाल के आसपास के एरिया में काफी लोग रहते हैं तो वो आराम से वाईफाई या इंटरनेट के एक्सेस है वो उनको मिल सके, इसलिए उस वाले एरिया को वाईफाई से कनेक्ट करने की बात की यहाँ पे की गई है। तो ये आपको वर्ड है ध्यान रखना है। अब आगे बात आती है भारतनेट की ओर। देखो भारतनेट जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया वो किया गया भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना कि BBNL के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट हो किया गया है भारतनेट प्रोजेक्ट को। अब इसको फंड कौन कर रहा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। भारतनेट प्रोजेक्ट को फंड है वो किया गया है USOF के द्वारा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ये फंडेड किसके द्वारा है, कहीं आप एग्जाम में मिनिस्ट्री वगैरह का मार्क मत कर देना, ये USOF के द्वारा फंडेड है वो की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कॉमन सर्विसेज सेंटर के बारे में। देखो जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट मतलब इनिशिएटिव है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉमन सर्विसेज सेंटर है वो मिट्टी मिनिस्ट्री के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब कॉमन सर्विसेज सेंटर का मतलब ये होता है कि देखो रूरल एरिया में क्या है कि गवर्नमेंट अपने अलग अलग सेंटर नहीं बना सकती क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी कम होते हैं और जगह अगर गवर्नमेंट जगह जगह अपने अलग अलग सेंटर बनाएगी तो उसे दिक्कत आएगी कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भाई एक ही सेंटर बना देती है वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर जाती हैं, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज हुई या फिर एग्रीकल्चर की सोयल फर्टिलिटी के बारे में कुछ लोगों को बताना है या फिर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देने की बात की जा रही है, फिर हेल्थ के बारे में कोई भी प्रोग्राम वगैरह चलाना है, मतलब एक ही सेंटर एक ही ऑफिस बना देती है रूरल एरिया में गाँव में जगह जगह पर, वहाँ पर लोगों को सभी तरह की इन्फॉर्मेशन वो बनाई जाती हैं, डाटा आधार कार्ड की बात हो या फिर कोई और भी तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको चाहिए वो सब उसी सेंटर पर दी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना कि कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ही एक इनिशिएटिव है, ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है छाऊ डांस के बारे में। तो कंटेक्स्ट सबसे पहले ये है कि छाऊ डांस के तीन पार्ट होते हैं, मतलब तीन सब पार्ट होते हैं जिसमें एक पार्ट है उसका नाम है पुरुलिया। तो जो पुरुलिया पार्ट है इसको एक्चुअली भी GIT का वो दिया गया है, तो अब हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। छाऊ डांस की सबसे पहली बात ये आती है कि छाऊ डांस है वो नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल डांस है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया का ये डांस है। अब नॉर्थ ईस्ट के तीन सब टाइप कौन कौन से हैं, एक तो है पुरुलिया और दूसरा है वो है सराइकेला और तीसरा वो है मयूरभंज। तो जो पुरुलिया है वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल में किया जाता है और जो सराइकेला है वो किया जाता है झारखंड में, इसके अलावा मयूरभंज है वो किया जाता है उड़ीसा में। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है इसके साथ कि पुरुलिया का जो भी GIT है वो दिया गया वेस्ट बंगाल में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डांस को एक्चुअली मुखौटा लगा के मेनली वो किया जाता है। आपको बता दूं कि जो ये पुरुलिया और जो ये सराइकेला जो डांस है इन दोनों को मेनली मास्क से किया जाता है, मयूरभंज में मास्क का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो ये वहाँ के जो कॉमन फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट उन सब पे इसको एक तरीके से किया है वो जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो छाऊ डांस है इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल है वो किया गया है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको ऐड किया गया था 2010 में, तो UPSC इसको भी बारे में पूछ सकते हैं कि रिसेंटली ऐड किया गया, तो भाई रिसेंटली से ऐड नहीं किया गया, इसे ऐड किया गया था 2010 में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कतरीन प्रोजेक्ट के बारे में, KATRIN कतरीन प्रोजेक्ट या कतरीन एक्सपेरिमेंट। देखो जो कतरीन प्रोजेक्ट है ये मेनली न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए बनाया प्रोजेक्ट है वो किया गया है, तो अभी इसमें वर्ल्ड की काफ़ी साइंटिस्ट हैं वो मिलकर जर्मनी में एक्सपेरिमेंट इसको कर रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान ही रखना कि कतरीन प्रोजेक्ट रिलेटेड किससे है, तो है न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए है, और न्यूट्रिनो के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि न्यूट्रिनो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन हुए उनके ऊपर तो आयन मतलब इलेक्ट्रॉन हुए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन से होता है, उसी तरीके से न्यूट्रिनो पे कोई भी चार्ज वो नहीं होता, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इनको घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता तो किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल का नाम भी दिया जाता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो न्यूट्रिनो होते हैं वो एक्चुअली सॉलिड को भी क्रॉस है वो कर सकते हैं, मतलब हम ह्यूमन बॉडी को भी क्रॉस है वो कर सकते हैं, इनका अभी तक कोई भी नुकसान है वो मतलब आइडेंटिफाई है वो नहीं किया गया। और इंडिया में न्यूट्रिनो के लिए जो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ लगेगी है इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखो प्लीज़ आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन है वो भी होता रहेगा और बाकी और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है
पारस के बारे में, पी ए आर ए एस के बारे में। पारस है वो एक तरीके से आपको बता दूं कि एक टेलीस्कोप है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म वो है पारल, पी आर एल एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च। तो ये बता दूं कि इसके बारे में जो बेसिक चीज़ और यूपीएससी पूछ सकती है, ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ये ग्राउंड पे यूपीएससी पूछ सकते हैं कि भाई स्पेस वगैरह में नहीं, स्पेस वगैरह में कहीं नहीं है, ग्राउंड पे है। और माउंट आबू राजस्थान में जो माउंट आबू है वहाँ पे इसको सेटल है, वो किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काम क्या है इसका, इस पारस का मेन काम ये है कि भाई जो अर्थ के जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके बाहर जो भी ग्रह वगैरह प्लेनेट वगैरह हैं उनकी स्टडी करने के लिए, मतलब सोलर सिस्टम के बाहर जो ग्रह हैं हमारे अर्थ जैसे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पारस जो ऑब्जर्वेटरी है वो बनाई गई है कहाँ पे, आबू माउंट आबू में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अहम बात यह आती है कि भाई इसको फंड वगैरह कहाँ से दिया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो पारस है ऑब्जर्वेटरी है इसको फंड दिया गया, वो दिया गया फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि मेनली गुजरात में स्थित है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखनी है। अब हमें देख लेते हैं कि एक बार हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, जो कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का ही एक नया फॉर्म है। इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत इंप्लीमेंट किया गया था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। फाइनेंशियल एड है वो दी जाती है, कितने की, 6,000 रुपये की। इसके साथ ही अगली बात थी, अगला जो आर्टिकल था वो था इंडिया नेपाल ज्वाइंट एक्सरसाइज जो की थी सूर्य किरण, जिसका 13th एडिशन है वो भी स्टार्ट है, वो किया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था सेवा भोज योजना। तो सेवा भोज योजना है वो कल्चर मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो भी भंडारा वगैरह है, जो भी कोई धार्मिक इस तरीके से मतलब किचन वगैरह चलती है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर जो भी CGST और IGST होता है उसको वापस रिफंड वो किया जा सके। इसके लिए दर्पण पोर्टल की हेल्प है वो ली जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था भवानी रिवर के बारे में, जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है और यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क से क्रॉस है वो करती है। इसके बाद में अगला था वो था क्रेडिट सिक्योरिटी फंड। तो क्रेडिट सिक्योरिटी फंड है वो एक्चुअली बैंकों की जो एबिलिटी है लोन देने की उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि MSMEs को लोन अच्छे से मिल सके। इसके बाद में अगला आर्टिकल था वो था भारत नेट के बारे में। तो भारत नेट के तहत जो मिट्टी मिनिस्ट्री है उसने वाईफाई चौपाल बनाने की बात की है। इसके बारे में देख लिया कि USOFIC के द्वारा इसको फंड दिया जाता है। इंप्लीमेंट किया जाता है, वो किया जाता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद हमने डिस्कस किया छाऊ डांस, जो कि नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल डांस है। 3 इसके सब टाइप हैं, पुरुलिया, सरायकेला, मयूरभंज। तो पुरुलिया को भी GIT का वो दिया गया, जो कि वेस्ट बंगाल का है और इसे यूनेस्को की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल हो किया गया है 2010 में। इसके बाद हमने कैटरीन प्रोजेक्ट के बारे में देखा, जो कि न्यूट्रिनो की स्टडी के बारे में था। न्यूट्रिनो के बारे में बेसिक पैरामीटर वो जाने। इसके साथ ही पारस के बारे में डिस्कस किया, जो ऑब्जर्वेटरी है, ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे, माउंट आबू में। फंड किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। PDF है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ दिया गया है, वहाँ से आज से आपको PDF मिलना शुरू है, वो हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।